पंजाब पुलिस की टीम को लुधियाना के खन्ना स्थित एक बम मिला है। ये बरामदगी खन्ना के मिलिट्री मैदान से हुई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बता दें कि पंजाब के लुधियाना स्थित खन्ना में जिस जगह से 7 दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, वहीं पर यह बम मिला है। बम की जांच के लिए पुलिस की बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया। इसके अलावा सेना को भी सूचना दे दी गई है। आपके लिए जानना आवश्यक है कि जिस मिलिट्री मैदान में बम मिला, वहां से राहुल गांधी करीब 300 मीटर की दूरी पर रोड से गुजरे थे। ऐसे में इसको लेकर अब कई तरह के शक पैदा हो रहे हैं। बम यहां कब और क्यों रखा गया होगा, इसकी जांच के लिए पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर स्पॉट पर पहुंच गए हैं। फिलहाल बम की किस्म और उसकी जिंदा होने के बारे में जांच की जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी की सुरक्षा में पंजाब में भी चूक हो चुकी है, लेकिन उनके साथ चल रही टीम इस बात का ध्यान रख रही है कि राहुल को सुरक्षित रख जाए। इसी के चलते पंजाब कांग्रेस प्रधान को भी सुरक्षा घेरे के अंदर आने पर सुरक्षाकर्मी द्वारा धक्के लग चुके हैं, जिस पर काफी विवाद हुआ था। लेकिन यह अति आवश्यक है कि राहुल गांधी को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि सुरक्षा और खुफिया जांच एजेंसियों ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है कि आतंकी किसी भी नापाक घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी राज्यों और शहरों का दौरा राहुल ने किया है, उनमें सबसे ज्यादा संवेदनशील पंजाब ही है, और आगे उनकी भारत जोड़ो यात्रा जम्मू एवं कश्मीर की तरफ बढ़ रही है। वो भी काफी संवेदनशील इलाके हैं, जहां कुछ भी हो सकता है, और एजेंसियां इस बात को लेकर काफी चिंतित भी हैं। इन इलाकों में राहुल गांधी को पूरी तरह से अपने सुरक्षा घेरे में ही रहकर प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।